हेलो एवरीवन, आज हम वर्कशीट 97 करेंगे गणित की, क्लास 9th की, 24 फरवरी की। तो आइए इसको शुरू करते हैं। कंस्ट्रक्शन रचनाएं चैप्टर से रिलेटेड है। तो आज के 3 प्रश्न है आप लोगों के। एक समकोण त्रिभुज एबीसी की रचना करनी है जिसमें एंगल भी 90 हो, AB प्लस AC 10 हो और BC 6 हो। तो आइए इनको शुरू करते हैं। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए। तो सबसे पहले आप लोग BC बनाएंगे 6 की स्केल से। किससे? स्केल से। देन जब आप ये बना लेंगे तो आपको क्या करना है, इसको बनाने के बाद, यहाँ पे आप लोगों को इसको बनाने के बाद क्या करना है, इसको बनाने के बाद जो आपका प्रकार है उसकी मदद से क्या करना है, 90 का बनाना है। तो 90 का बना लेंगे आप लोग। देन जो लाइन है थोड़ी सी लंबी बनाएंगे। देन ये लाइन आपकी बन गई है। देन इसमें क्या करना है, आपको प्रकार को खोलना है स्केल से नापते हुए 10 तक। तो 10 तक खींच लिया ये। अब इसको इससे मिला देना है, ये ज्वाइन हो गया। अब आपको इनसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने हैं कुछ इस तरह से। और जहाँ ये पॉइंट पे जाएंगे, ये पॉइंट इस तरह से बनेगा कुछ, ये ए हो जाएगा जिस पॉइंट पे जुड़ेंगे। तो इस तरह से आपका ABC पहला क्वेश्चन जो है निर्माण हो जाएगा आपका, और ये क्वेश्चन खत्म होगा। अब एक त्रिभुज ABC की रचना करनी है जिसमें BC 6 हो, एंगल भी 60 हो और AC माइनस AB 2 हो। तो AC माइनस AB है, इसकी वजह से ऋणात्मक है, नेगेटिव है। नेगेटिव है इसकी वजह से क्या होगा, सबसे पहले BC बनाएंगे और ये नीचे की तरफ बनेगा। BC बना 60 का बन गया, इसको खींच लेंगे ऊपर से नीचे तक खींचेंगे पूरा। तो जब ये खींच जाएगा, देन नेक्स्ट कर रहे आपका क्या होगा, नीचे 2 सेंटीमीटर तक की आर्क लगाएंगे एंड देन DC को ज्वाइन कर देंगे। DC जुड़ गए आपको। अब क्या करना है, BX को A पर मिलाते हुए अब लमसम द्विभाजक बनाना है। किससे? इन दोनों से, C और D से, ऐसे इस तरह से। अब ये जहाँ पे ज्वाइन करेंगे ये पॉइंट A है। अब AC को ज्वाइन कर देंगे, आपका निर्माण हो गया ABC त्रिभुज का। तीसरा तीसरा प्रश्न है आप लोगों का। एक त्रिभुज PQR की रचना करनी है जिसमें QR 3 है, एंगल Q 45 एंड PQ माइनस PR 2 है। तो अब ये धनात्मक है, ऊपर की तरफ बनेगा। तो QR है 45 बना लिया, इसको लंबा खींच दिया थोड़ा, देन आर्क लगा ली 2 सेंटीमीटर की, लग गई। अब QR SR को ज्वाइन कर दिया तो ये आपका कुछ इस तरह से फिगर बनी, पर ये ट्राइंगल नहीं है आप लोगों का अभी, राइट। अब आपको S और R का परपेंडिकुलर बनाना है। अब जब ये जिस पॉइंट पे इस वाली लाइन पे जुड़ेंगे, ये जाके पॉइंट बनेगा P। इस तरह से आपका ये जो है त्रिभुज बनता है PQR। यहाँ पे वर्कशीट आप लोगों की खत्म होती है। अब हम मिलेंगे आगे की वर्कशीट्स के संग। तब तक के लिए बाय एवरीवन। चैनल को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना एंड शेयर जरूर।